मतलब बाराती मन के जतकी भी मतलब जाओ तुमन सब पत्थर हो जाओ कहे। ये गांव के नाम ला कैसे धरबो कहे। बर मतलब लड़का, तिया मतलब जो है नारी, तो नारी और पुरुष के हर जो है शादी बर विवाह में ये काम होई से ये गांव के नाम ला प्रत्या भाठा रखे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन और आप देख रहे हो सीजी टूरिज्म विद किशन। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें मैं आपको छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही रहस्यमय जगह पर लेके आया हूं। ये महासमुंद जिले का एक छोटा सा गांव है बरतिया भाटा। ये बहुत ही रहस्यमय जगह है क्योंकि माना जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ एक राजा रहते थे, जिनकी बारात में काफ़ी बाराती यहाँ आए थे। और जैसे ही बाराती आए और भोजनालय में उन्होंने भोजन किया, उसके बाद वह पत्थर में तब्दील हो गए, जो स्मारक के रूप में अभी भी इस गाँव में स्थित है। इस गांव की जनसंख्या 883 है। और भी बहुत रहस्यमय फैक्ट आपको इस गांव के बारे में देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग आए हैं यहां लोगों से बातचीत करने कि ये कितनी सच्चाई है इस फैक्ट में कि यहां लोग सच में पत्थर बने थे या नहीं बने थे। अगर ऐसा होगा तो यह छत्तीसगढ़ का 8वां अजूबा। तो आज हम लोग यह डिकोड करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास पहला साक्ष्य मिल गया। यहाँ पास आप देख सकते हो एक फुल लेंथ जो पर्सन होता है उसके फुल हाइट का एक पत्थर यहाँ पास दिखने को मिला है, अलग अलग शेप और साइज में डिवाइड। तो ये आप बोल सकते हो एक बाराती है। और जैसे कहानी जाती है उसके हिसाब से तो यही है कि यहाँ राजा के शादी में बहुत सारे बाराती आए थे और एक ऋषि थे, एक साधु थे, उन्होंने उनको श्राप दे दिया जिसके कारण वो पत्थर बन गए। ये कहानी यहाँ काफ़ी फेमस है और लगभग अधिकांश जो यहाँ के लोकल्स हैं, जो जनता है, उनको पता है। अभी हम लोग आप लोग को उनके रूबरू कराएंगे और आप लोग को उनसे बात भी करवाएंगे। यहाँ पर आप एक और पत्थर देख सकते हो जो ज़मीन के अंदर दबा हुआ है, यह भी एक संभावित साक्ष्य हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों बरतिया भाटा के सबसे पहले घर में आए हैं हम लोग। अमृतलाल जी का घर है ये, और बहुत सारे आप यहाँ पत्थरों के साक्ष्य देख सकते हो जिनको यहाँ के लोग बाराती हैं बोलते हैं। यहाँ पास एक लगभग 7 फीट का बड़ा पत्थर है पीछे में, और भी बहुत सारे पत्थर हैं देख सकते हो बैकग्राउंड में। इन सारे पत्थरों को ही बाराती बोलते हैं। इस बरतिया भाटा गांव के हर घर में आपको छोटे छोटे पत्थर इंसान स्वरूप देखने को मिलेंगे। ये जो सारे पत्थर हैं दोस्तों, कुछ ज़मीन में दबे हुए हैं और कुछ पत्थर ज़मीन से बाहर खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि बारातियों के साथ आए जानवर भी, जैसे घोड़े एवं हाथी, भी पत्थरों में तब्दील हो गए। साथ ही उनके औजार और ढोलक वगैरह भी पत्थरों में तब्दील हो गए। तो यहाँ पास भी देख सकते हो दोस्तों एक पत्थर जिसकी पूजा की जा रही है इस पेड़ के नीचे। और यहाँ पास एक मूर्ति बनी हुई है जो राजा के समान दिखाई दे रही है। हालांकि गेट के सामने में ठाकुर देव करके लिखा हुआ है, और आपको यहाँ भी बहुत सारे पत्थर देखने को मिलेंगे। दोस्तों यह पूरा ही गांव जो है वो पत्थरों से भरा हुआ है, तो आपको हर जगह साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे। अभी हमारे फैक्ट एक्सपर्ट सीजी टूरिस्ट गाइड ब्रजराज भैया हम लोग को बरतिया भाटा के बारे में बताएंगे। बताइए आपकी राय। बरतिया भाटा ऐसा है, मैं जैसे इनका नाम सुना बरतिया तो संबंधित पता चलता है कि हम बारात, बारात जो है जीवन में हर किसी को कभी न कभी मौका मिलता है बराती बनने का, किसी न किसी शादी में। भाटा मतलब जो बंजर जमीन, इसे बोलते हैं भाटा। तो इस गाँव के नाम से बरतिया भाटा गाँव नाम पड़ा, लेकिन इसके पीछे जो रहस्य था, लोगों का कहना यह है कि इस गांव में एक बराती जो थे, विश्राम करने के लिए एक जगह पर रुके थे, लगभग 150 बराती थे। वो 150 बराती जो है एक दिन अचानक से पत्थर बन गए, जो एक किसी महापुरुष या फिर संत के माध्यम से शराब के कारण हुआ, ऐसा घटना बताया जाता था। और इसी घटना को हम एक वीडियो के माध्यम से देखे थे। तो यहाँ तक गाँव पहुंचे, तो यहाँ गाँव पहुंचे तो अधिकतर लोग इसके बारे में बताना भी नहीं चाहते, डरते हैं वीडियो के माध्यम से आने से। जो बच्चे भी हैं, जैसे ही हम यहाँ कदम रखे तो बच्चे लोग भी कुछ कुछ इसके बारे में बताना चालू कर दिए, लेकिन वो भी आगे चलकर हिचकिचा गए।
बताना नहीं चाहते, और हमें कुछ जो अवशेष दिखे हैं, कुछ ही अवशेष अभी जो है हमको बाहर में देखने को मिलता है, बाकी जो अवशेष है जमीन में दब चुके हैं ऐसे बता जाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत लोग घर बना चुके हैं तो घर बनाने के समय जमीन में और दफना चुके हैं, ऐसे दुल्हन दूल्हा का जो चित्र था या फिर मूर्ति था पत्थर था वो दब चुका है, जो ढोलक थे बड़े जो ढोलक के आकार में पत्थर थे वो भी दब चुके हैं, ऐसे यहाँ के लोगों द्वारा बताया जाता है। तो अभी कुछ ही पत्थर जो देखने को मिलता है, लेकिन जब हम इससे रूबरू हुए मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ कलाकृति नजर नहीं आया, कि कुछ कलाकृति बनाया गया हो उस समय का या फिर कुछ भी कलाकृति, एक साधारण सा पत्थर लगा, लेकिन हाँ पत्थर थोड़ा पुराना लगा, जो बलुआ पत्थर है रंग अलग अलग थे, पत्थर थोड़ा मुझे पुराना लगा। और दोस्तों हम लोग यहाँ बरतिया भाटा के सरपंच जी के घर आए थे, उनसे जो यहाँ की जो ये फैक्ट है कि पत्थर जो बाराती बन गए थे, तो उनके बारे में पूछने के लिए, लेकिन अभी जो सरपंच जी हैं यहाँ नहीं है, तो हम लोग अभी यहाँ विधायक के पास जा रहे हैं। तो विधायक जी भी यहाँ पास में ही रहते हैं, सांझा पानी करके एक छोटा सा गांव है जो 2 किलोमीटर दूर है यहाँ बरतिया भाटा से, तो हम उनके पास जाकर उनसे जानकारी लेंगे। तो बरतिया भाटा का रहस्य जानने के लिए अभी हम लोग बरतिया भाटा की एक लोकल अरुण कुमार भोई जी के घर में आए हैं, और गांव वाले हैं उनसे पूछने पर पता चला है कि इनको इस जगह के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी है, तो अभी इनसे जानकारी लेंगे। तो बाबा, ये जो बरतिया भाटा गांव है, मजे में पत्थर हमें बहुत सारा देखे मिलते हैं, सुने हैं कि बाराती मन पत्थर बन गए, एक का रहस्य? पहले से एक जंगल थोड़े से रही, जंगल रही, और यहाँ मैदान वागे जंगल है, तो वो जंगल में ना एक ठो ऋषि कुटिया बना के रहिस, तो कुटिया बना के रहिस, तो राजा मन के बराती है वहां पहुंच आईस, तो वो मन के साथ में एक ठो देवी ला लेके आत रही, तो वो मन ला यहाँ थोड़े सूर्य उदय हो गए, तो ऋषि हर ना वो मन के जो देवी है वो लाना बलि दी, बकरा के बलि, तो ऋषि हरना वो मतलब श्राप दे दी कि मोर ऐसे पवित्र जगह में तुम ना करके जो है यहाँ खून खराबी करा थो, करके वो ऐसे कहे और वो मतलब श्राप दे दी, जाओ तुम सब पत्थर हो जाओ कहीं। तो यहाँ हर चीज के मतलब बाराती मन के जितनी भी मतलब चीज है, मतलब घोड़ा है, हाथी है, कुर्सी टेबल पलंग, मतलब जतके भी बारात के अब खंजा रही है, सब दहे डोरी जतका भी रही ना, बाजा गाजा तक ले सब है, यहाँ सब पत्थर होके रही है। और यहाँ रह करके जब पत्थर लहूट गिन, तो ये गांव के बस्ती हर जब बैठिस ना बैठिस, तो ये गांव के नाम ला कैसे धरबो कहे, तो बर मतलब लड़का, तिया मतलब जो है नारी, तो नारी और पुरुष के हर जो है शादी बर विवाह में ये काम हो से, तो ये जतकी भी जो है ऋषि के श्राप से ये मन सब पत्थर हो गिन, तो ये मन के मतलब एक बार एक गांव के नाम बरतिया भाटा रखेंगे। छत्तीसगढ़ के इस बरतिया भाटा गांव को ना ही शासन द्वारा पुरातात्विक मान्यता दी गई है, और बारातियों के पत्थर बनने की कहानी पर भी संशय किया जाता है। इसके बावजूद दोस्तों, यह बरतिया भाटा छत्तीसगढ़ के उभरते हुए पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां पिछले कुछ सालों में लोगों की आवाजाही काफ़ी बढ़ गई है।